हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। जी हाँ, आज से जो है हमने थोड़ा इंट्रो को चेंज कर दिया है। जहाँ मैं पहले ये कहती थी कि आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द सन टैरोट पे, आज से ये मेरा नहीं आप सबका चैनल है, क्योंकि आपने ही इसे बनाया है और आपके सपोर्ट की वजह से ही जो है मैं यहाँ हूँ। सो थैंक्स टू एवरीवन जो भी मेरी वीडियोज़ को लाइक करता है, कमेंट करता है। एंड सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, क्या चल रहा है उनके थॉट्स में इस वक्त। सो ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग की हर एक एक बात आपके साथ रेजोनेट करे। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतने को आप रखिए, बाकी को जाने दीजिए। सो चलिए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कार्ड्स को यहाँ पर पहले ही निकाल कर रख लिया है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास जो कार्ड है वो है द हर्मिट का। आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो मुझे बहुत अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो बिल्कुल खामोश है, आपके साथ ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। और इसी के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ ना कि आप इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उस समय को मिस कर रहे हैं जब आप लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे, आप लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर किया करते थे। आपके पर्सन भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, बट राइट नाउ जो आपके पर्सन है ना वो चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं। जो भी अब दोनों में सिचुएशन है ना, ये आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो उसे ठीक करे। हो सकता है इसके साथ साथ और भी कुछ है इस पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, जिसे पर्सन मैनेज करना चाह रहे हैं बट चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों को आपके पर्सन चाहते हैं कंट्रोल करना बट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपको एक छोटा सा जो है ना वो ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं। बट राइट नाउ आपके पर्सन जो है ना वो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ भी आपके साथ खुलकर शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो बात है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो ही नहीं रही है इस वक्त। बट जो भी अपने में सिचुएशन है ना वो इन फ्यूचर जाके बिल्कुल ठीक होने वाली है। आप बिल्कुल भी अपना जो भरोसा है उसे बिल्कुल भी मत खोइए, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे, आप अपने आप में हिम्मत रखेंगे तो चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं या इनकी लाइफ में कोई आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ साथ हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में बातचीत हो रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी उनसे जो है आकर बात को स्टार्ट नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस है, और ऐसा आपको भी लग सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं या उनके पास ऑप्शंस हैं जिस वजह से आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। बट ये सिर्फ एक भ्रम है आपका और आपके पार्टनर का, इन एक्चुअल में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप अपनी अपने विश्वास को बिल्कुल भी जो है ना वो खोने मत दीजिए, भरोसा रखिए, जो भी अब दोनों में सिचुएशन है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए और देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो हमारे पास जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इनकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका और आपके पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, और आपके पर्सन जो है ना आपसे हर चीज़ एक्सप्रेस करेंगे, हर चीज़ पर आपको ना क्लैरिटी देंगे कि क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको हर चीज़ पे क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे कि इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे। और जो इनका ये और नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। सो आपके पार्टनर जो है ना वो आपको बताने वाले हैं कि जो इनका कप है ना लव वाला, वो सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये पर्सन आपको बताएंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास था वो था फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। राइट नाउ जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स है इस पर्सन की लाइफ में। फाइनेंशियल जो है ये पर्सन इस वक्त इतने स्टेबल नहीं है,
और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ना, और जब आप इस पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे, आप इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना कुछ भी नहीं है, बहुत अकेले से पड़ गए हैं पर्सन। और इसी के साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक पर हमारा जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखिए, आप लोगों के लिए एक क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, और जो इन फ्यूचर बिल्कुल होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, इसमें कोई भी शक नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपने ट्रस्ट को जो है बिल्कुल भी लूज मत होने दीजिए। जब आप अच्छा सोचते हैं तो जो चीज़ें हैं ना वो भी पॉजिटिव वे में ही होती हैं। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की वो टेम्प्रेरी है। आने वाले समय जो है आपके पर्सन आपको खुद एक सॉलिड ऑफर देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, एक न्यू स्टार्ट चाहेंगे आपके पर्सन। क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है, और एक कार्ड हमारे पास यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों में एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है इन फ्यूचर, और बिल्कुल होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है सब्र रखना पड़ेगा, तभी जाकर जो है चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली आप लोगों के लिए वर्क करेंगी। क्योंकि जितना आप किसी को चेस करेंगे ना, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिर्फ इस वक्त जो है विश्वास रखिए, चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। आपके पर्सन खुद आपसे एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको बताने वाले हैं जब भी वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बहुत सारे थॉट्स हैं इस पर्सन के माइंड में जो ये पर्सन आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको क्लैरिटी देंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस पर्सन से, ये पर्सन मुझे उन पर आपको क्लैरिटी भी देते हुए दिख रहे हैं, बट इन फ्यूचर। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।